गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और मैं आज और भी थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी, मुझे आटा भरना है और इसके बाद मैंने सारे साफ सफाई के काम निपटा लिए थे और फिर दोपहर का खाना पीना सब हो गया। उसके बाद मैं वीडियो शूटिंग की थी और उसके बाद फिर मैंने सीधा इवनिंग से ही बनाया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और मैं आ गई किचन में, क्योंकि मेरे जो काम रहते हैं इवनिंग के सब्जी मतलब बनाना और ये सब अभी से स्टार्ट कर देती हूँ, तभी 8 बजे तक खाना पीना हो पाता। और यहाँ मैंने जो चुन्नी ओढ़ रखी थी वही मैं ठीक से उसको कर रही थी। और ये रेड कलर का चुन्नी मैंने लिया था, काफ़ी अच्छा मुझको लगा तो मैंने इसको खरीद लिया था। और अभी मैंने ओढ़ा तो मेरी बगल वाली भाभी बोल रही थी इसे पर तुम्हारी चुन्नी बहुत अच्छा लग रहा है, तो मुझको भी फिर काफ़ी अच्छा लगा था तभी मैंने इसको ले लिया था। तो अभी ये चाय के बर्तन जो थोड़ा बहुत हो जाते हैं तो वो धुल लेती हूँ। एक तरफ मैंने अपनी चढ़ा दी सब्जी, तो मेरी सब्जी पक रही है गैस पर, और यहाँ पर मैं अपने बर्तन तो धुल के साफ़ सफाई कर लेती हूँ। कुकर थोड़ा सा रह गया था धुलने के लिए, क्योंकि वो चावल का कुकर था लास्ट में खाली हुआ था, वो मैंने दोपहर में छोड़ दिया था, तो इसी को मैं साफ़ करने के बाद फिर मैं खाने की तैयारी भी मेरी हो जाएगी। और जल्दी खाना मतलब 8 बजे तक तो बना ही लेते, हस्बैंड भी आ जाते हैं तब तक, तो फिर सारी तैयारी भी हो जाती है और खाना पीना भी तैयार हो जाता है। तो अभी से मैं खाना स्टार्ट करूँगी तभी हो पाता है। और मम्मी बाहर बैठी हुई है, थोड़ा शाम के टाइम सारी लेडीज़ें बैठ जाती हैं आकर, तो ठंडा भी हो जाता है इसलिए वो लोग सब बैठ जाते हैं आके शाम को, तो अच्छा भी रहता है बाहर थोड़ा सा चहल पहल हो जाती है। और दोपहर में तो सब अंदर ही बंद रहते हैं, इतनी गर्मी पड़ रही है लोगों का बुरा हाल है इसी गर्मी की वजह से। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ शाम को, 7 बज रहा है अभी और मैं कर रही हूँ शाम के खाने की तैयारी। तो मैंने यहाँ पर देखिए ये बना ली है, मैंने दाल बनाई है धोए की, ये दाल रखी हुई है और मैंने बनाई लौकी की सब्जी, तो मैंने इसमें करके रख ली। और इसमें मैंने रखा है हस्बैंड के लिए उसका शरबत है, बेल का शरबत है ये, तो ये इसमें अभी निकाला है, ठंडा उनको थोड़ा खांसी आती है और बेल का शरबत गर्मियों में फायदेमंद होता है, तो मैंने उस दिन दिखाया था ही मैंने कैसे बनाया था, तो आज बना हस्बैंड के लिए रख दिया निकाल के। और मैंने ये अभी मैं दिखा भी रही थी आपको वीडियो में, मैंने ये मेरी न्यू कलर की चुन्नी है ये रेड कलर की, तो ये देखिए मुझको काफ़ी अच्छी लगी थी तो मैं इसको लेके आई। आप लोग भी बताइए कमेंट्स करके मेरी ये रेड कलर की चुन्नी कैसी लग रही है, और मुझको तो बहुत अच्छी लगी, बहुत प्यारी लग रही थी, मैं काफ़ी दिनों से देख रही थी इस चुन्नी ऐसी मुझे चुन्नी कुछ मिल जाए कोई रेड कलर की, तो इसी टाइप की मुझको फिर मिल गई तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी ये चुन्नी, तो मैंने इसको ले लिया था। तो आप चलिए शाम के खाने की तैयारी, अब आटा गूंद लेते हैं और शाम के खाने की तैयारी करते हैं, तब तक हस्बैंड भी आ जाएंगे, तो 7:30-8 बजे तक हस्बैंड आ जाते हैं, तो फिर तभी सब लोग खाना खाते हैं, तो 9 बजे तक शाम का खाना भी फिनिश हो जाता है, तो चलिए आटा गूंद लेती हूँ। और फ्रेंड्स मुझे आपसे करनी थी कुछ बातें, तो इसलिए अभी मेरे पास टाइम था तो मैंने अभी कर लेती हूँ बात, क्योंकि अभी मैं काफ़ी दिनों से जब से मेरी मम्मी एक्सपायर हुई है तब से काफ़ी दिनों से मैं एब्सेंट थी और ब्लॉग भी ठीक से नहीं बना पा रही, ना तो किसी काम में मन लगता, क्योंकि अचानक से ही एकदम से मम्मी एक्सपायर हो गई थी नवरात्रों में। और वो लास्ट ईयर मैंने बताए थे मेरी से बड़ी वाली बहन थी क्योंकि वो भी एक्सपायर हो गई थी कोरोना में, तो अचानक से ये दोनों ही मतलब सदमे इतने ज़्यादा हो गए हम लोग के लिए, बर्दाश्त करना मेरे लिए खासकर मुश्किल हो रहा था। तो अभी काफ़ी मतलब मम्मी के जाने के बाद इतना मतलब वो टूट सी गई थी, तो मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाए थे काफ़ी दिनों से, कोई रूटीन ही नहीं चल रहा, कभी बन जाता है मेरा ब्लॉग कभी नहीं बनता है, लेकिन अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि रूटीन में आ जाऊँ और मैं डेली ही ब्लॉग बना सकूँ। तो फ्रेंड्स आप अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए, तो मेरे ऐसे ही ब्लॉग आपको देखने के लिए डेली रूटीन वाले मिलते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं गूंद लेती हूँ आटा, और आटा गूंदने के बाद और भी सारे काम रहते हैं वो सब फटाफट करने के बाद, और फिर मैं रोटियाँ यहाँ पर सेक लूँगी, और रोटियाँ सेकने के बाद रोटियाँ ही बस रह गई हैं, तो बस रोटियाँ सेकने के बाद सबको खिला भी दूँगी, और हस्बैंड भी आ गए तो सब लोग खाना पीना खा लेंगे। तो फ्रेंड्स मेरा खाना पीना हो गया है, सारा काम फिनिश हो गया, और ये शाम को वैसे भी कम ही रहता है, इवनिंग का रूटीन शाम को सुबह से हल्का ही रहता है, ज़्यादा खाना पीना भी सब लोग कम ही खाते हैं कि दो दो रोटी खाते हैं, तो मेरा सारा काम फिनिश हो गया। और अभी बज रहा है शाम के 8:30 बज चुके हैं, और मैंने मतलब किचन की क्लीनिंग भी हो गई, सब कुछ हो गया, और तो अभी
दूध रहना दे, बाकी रह गया सबको बंद गर्म करके दूध दे दूंगी, और दूध देने के बाद बस सोना ही सोना है, जब जिसका मन है उतना टाइम सो जाए। लेकिन बस यही अच्छी बात है कि हम लोग का काम, सब लोग खाना टाइम से खा लेते हैं, फिर अपना जितना मन हो उतने टाइम सब लोग सो जाए, लेट जाओ जो मन हो वो करो। तो फ्रेंड्स, अब मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।